भाई जो नई बुलेट है ना वो, हाँ यार एक तो बुलेट बुलेट सी नहीं लग रही यार। हाँ तो भाई वो पुरानी बुलेट है, इसके थोड़े उसके तो भाई प्राइस भी आसमान में कर दिया इसने पैसा फूक के भी। हाँ एक तो भाई इसके कंपनी एलॉय दे दे, हाँ और दूसरे भाई इसके ट्यूबलेस टायर कर दे जो अभी है नहीं इस बुलेट के अंदर। बिल्कुल भाई, ये तो भाई पॉइंट है तुमने भाई, एकदम से हवा निकल जाती है आदमी वहीं रुक जाएगा, इसको खींच भी नहीं सकता इतनी भारी है। बिल्कुल भाई, तो ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। वैसे भाई वगैरह क्या रहती है इसकी सर्विस? भाई इसकी लगा लो कम से कम 2500 से 3000 रुपए तो लग ही जाते हैं। इसमें आता है भाई लगभग 2.5 लीटर के आसपास, 2.5 लीटर आता है इसमें इंजन ऑयल। हेलो गाइस, तो भाई आज बात करने वाले हैं, रॉयल इनफील्ड है 350। अब आई है ना, उससे पहले आती थी ये, 2023 का ही मॉडल है, अब तो ये बंद हो चुकी है 350। अब न्यू मॉडल आया है इसका, और जो है न्यू जो आई है ना उसमें कोई भी पार्ट इसमें से नहीं लिए गए, सब नए पार्ट लगे हैं उसमें, उसके हिसाब से बनाई है वो। तो भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अच्छी नहीं लग रही है, यही अच्छी थी, ये काफ़ी लंबे टाइम से आ रही थी ये 350। देसी बाइक है बिल्कुल, ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें मिलती नहीं है। आज इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे भाई से, थोड़ा जानेंगे भाई, थोड़ा इंतज़ार कर सकते थे, जो नहीं आई है उसको ले सकते थे, और ये कितनी चलाई है भाई ने, क्या एवरेज निकाल के दे रही है भाई को। तो चलो भाई इसके ऑनर से मिलते हैं। तो क्या हाल है दीपक भाई? बढ़िया भाई, अभी कुछ दिन पहले, बढ़िया भाई, अभी कुछ दिन पहले भाई की हुंडई की वेन्यू का रिव्यू देखा होगा आपने, ऐसा ऑप्शनल मॉडल है। तो भाई की ये बुलेट हो रहा है 350, इसके बारे में जानेंगे हम। तो दीपक भाई कितने की पड़ी आपको ये भाई? इसका जो प्राइस था 2,03,000 के आसपास बताया था उन्होंने। हाँ वगैरह थोड़ी बहुत करके, हाँ तो 2,01,000 के आसपास पड़ी है। अच्छा 2,01,000 आसपास पड़ी है भाई। मॉडल कौन सा है भाई? 2023 मॉडल ये। 2023, हाँ। कितनी पुरानी होगी भाई ये? 7-8 महीने पुरानी है। अच्छा 7-8 महीने हुए अभी इसको। तो भाई कितनी चला दी अब तक आपने ये भाई? अभी ज़्यादा नहीं चली है, सिर्फ 18,000 किलोमीटर चली है। अच्छा 18,000 चलिए, ये देखो भाई। तो भाई जैसे 18,000 चलाई है अभी तक आपने, एवरेज वगैरह क्या निकाल के दे देती है आपको? एवरेज तो भाई और बाइकों के मुकाबले में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम है, और बाकी तो सही है, 35-40 का एवरेज रिकॉर्ड दे, 350 cc की बाइक। हाँ भाई बहुत है, इतना तो दे देती है, इतना एवरेज है। हाँ आराम से, बढ़िया चलाओगे तो 40 का आराम से निकाल देती है। बहुत बढ़िया भाई फिर तो। तो भाई अब क्या क्या काम करा रखा है इसमें, कुछ करा रखा है या ऐसी आई है जैसी है? भाई बिल्कुल भी 1 रुपया भी इसमें कोई कस्टमाइज नहीं हुआ कहीं से कहीं तक भी। हाँ जैसी कंपनी से आई है वैसी की वैसी है। अच्छा सलेंसर भाई ग्रेड नोट हम चेंज नहीं करा सकते। हाँ ये सलेंसर इसके बारे में बता रहे हैं भाई, ये वही है जो आता है ना कंपनी से। हाँ चालान वगैरह की दिक्कत होती है भाई, चालान बहुत महंगा, 10,000 रुपये का चालान है। हाँ ये सलेंसर को अब बैन भी कर देते हैं, सीज कर देते हैं बाइक को, बहुत सी जगह भाई पुलिस वाले सीज भी करते हैं। हाँ तो भाई हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप साइलेंसर लगाएं। तो भाई इसकी सर्विस की बताओ, सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या रहती है इसकी? सर्विस भाई इसकी लगा लो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये तो लग ही जाते हैं। हाँ क्योंकि इंजन ऑयल भी इसका थोड़ा ज़्यादा डलता है और बाइक के मुकाबले। कितना डालता है भाई इसमें? इसमें आता है भाई लगभग 2.5 लीटर के आसपास, 2.5 लीटर आता है इसमें इंजन ऑयल। तो मतलब 2,500 से 3,000 में इसकी सर्विस हो जाती है? 2,500 से 3,000 रुपये में सर्विस है, वो जो मेजर सर्विस भी हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देखो इसमें जो है ना 2.5 लीटर तेल आता है, जो इंजन ऑयल आता है इसका। और भाई इसके पार्ट्स वगैरह जैसे आप चेंज करवाते हो, ब्रेक शूज वगैरह, कैसे महंगे हैं नॉर्मली ये बाइक? भाई और बाइक के हिसाब से तो महंगे, मतलब ज़्यादा महंगे हैं? ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा लगभग जो नॉर्मल बाइक है उनसे तो भाई महंगे हैं। हाँ वो तो डले नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया क्योंकि नई बाइक है यार अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई एक बार बताओ, नई बुलेट आ रही है 350, ये बंद हो चुकी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? थोड़ा इंतजार कर लेते, उसे ले लेते भाई, बस यही लेनी थी। अच्छा यही लेनी थी, रीजन भाई इसका कुछ? हाँ जी भाई। तो भाई जो नई बुलेट है ना वो, हाँ यार एक तो बुलेट बुलेट सी नहीं लग रही यार। हाँ तो भाई वो पुरानी बुलेट है, इसके थोड़े उसके तो भाई प्राइस भी आसमान में कर दिया यार, तो लेने लायक कहाँ बची है? फिर तो ये बढ़िया है, मजबूत भी है। हाँ पुरानी बाइक है यार। हाँ हाँ वो 2,30,000 के लमसम स्टार्ट होती है, और भाई 2,90,000 से 3,00,000 तक जाती है वो लगभग भाई। हाँ तो और इससे बढ़िया तो मुझे ये लोहा वाला पार्ट है यार, वो बढ़िया, वो बेकार पता नहीं क्या बना दिया उसका आवाज से। हाँ तो ये भाई वैसे रियल बुलेट यही है भाई, यही रियल बुलेट है। ये सब चला रहे हो आप, कोई कमी वगैरह आपको इसमें लग रही है? इसमें भाई कमी तो बाकी कुछ नहीं है। हाँ बस ये दो एक चीज मेरे दिमाग में बस वो खड़ ली है थोड़ी सी, इतना पैसा फूक के भी। हाँ एक तो भाई इसके कंपनी एलॉय दे दे, हाँ और दूसरे भाई इसके ट्यूबलेस टायर कर दे जो अभी है नहीं इस बुलेट के अंदर। बिल्कुल भाई, ये तो भाई पॉइंट है वैसे, क्योंकि ट्यूब जो एक साथ फट जाती है पिंचर होते ही फट जाती है, इमरजेंसी में कहीं आदमी उसको लेकर नहीं चल सकता। हाँ ट्यूबलेस टायर क्या है कि थोड़ी दूरी तय कर लेता है पिंचर होने के बाद। हाँ वो तो चलता ही रहेगा थोड़ा सा ट्यूब में भाई, एकदम से हवा निकल जाती है आदमी वहीं रुक जाएगा, इसको खींच भी नहीं सकता इतनी भारी है। बिल्कुल भाई, तो ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वैसे भाई। एक बस भाई यही है कि मतलब इसका ये चेंज हो जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे इसको कंपनी, तो बाकी तो भाई बस
अपना खुद इसे अपग्रेड करा लेंगे बाइक को, और तो कुछ नहीं है। वैसे दो तीन चीजें हैं जो कंपनी को थोड़ा ख्याल रख ले, कस्टमर का भी बेचारे थोड़े खुश हो जाए। अच्छा, और तो भाई बुलेट भी मेरी बढ़िया है, बुलेट बढ़िया। तो भाई अब जैसे ये बुलेट बंद हो जाएगी, वो नहीं आई है, वो मिलेगी लोगों को, तो भाई जो भाई कोई देख रहे हो तो अब ये पुरानी वगैरह कोई मिल रही हो तो ले सकते हैं इस बाइक को, जैसे आपने 18-20 हज़ार चलाई, अगर कहीं हो सके स्टॉक में हो तो मिल सकती है भाई। अच्छा, नहीं कोई पुरानी भी कोई बेच रहा हो देख रहे हो? पुरानी ले सकता भाई, अगर कोई बेच रहा हो, फिलहाल तो मेरा मन है नहीं। अच्छा, आपका मन नहीं है। तो चलो भाई, कैसी लगी भाई की ये वीडियो बताना हमें कमेंट बॉक्स में। भाई की ने अभी होंडई वेन्यू एस ऑप्शनल का भी रिव्यू दिया था, तो उसको भी आप जाके देख लेना, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये भाई की बुलेट 7-8 महीने पुरानी है, 18-20 हज़ार किलोमीटर को चला चुके हैं। इसके बारे में भाई ने थोड़ी सी नॉलेज हमको दी है, और आप भी देखना, जो कोई आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।